वेलकम टू अल्पाहार। मेरा नाम अल्पा शाह है। त्योहारों की मौसम शुरू हो चुकी है और अलग अलग त्योहार पे हमें मिठाइयाँ लगती ही हैं। तो झटपट बन जाने वाली और बहुत ही कम सामान यूज करके हम एक आज मिठाई बनाएंगे। ड्राई फ्रूट फ्रूटी पंच खिला सकते हैं अपने भाई को, रक्षाबंधन पे भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक कटोरी काजू और एक कटोरी बादाम ले लिए हैं और पैन में मैंने इसे हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। स्लो आंच पर हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा क्रंच भी आ जाए और मॉइस्चर अगर है तो वो निकल जाए। बादाम और काजू अच्छे से भून चुके हैं। देखिए हल्का हल्का गुलाबी रंग भी आ चुका है। मैं गैस को बंद कर दूंगी और अब हमें इसे कंप्लीट ठंडा कर लेना है। एकदम ठंडे हो जाने चाहिए। बादाम और काजू अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, मैंने मिक्सी जार में ले लिया है। अब इसे हमें ऑन ऑफ करते हुए दरदरा सा कूट लेना है। ज्यादा पाउडर जैसा नहीं बनाना है, दानेदार करना है। ये देखिए आप टेक्सचर इसका, इस तरह से हमें दानेदार चाहिए। मैं यहाँ पर 2 फ्लेवर में बनाने वाली हूँ तो मिक्सचर को जो हमने पाउडर किया है उसे 2 बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। अब जो ड्राई फ्रूट का पहला बोल है इसमें मैं स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर देने वाली हूँ। तो मैंने स्ट्रॉबेरी का क्रश इस्तेमाल किया है। आपको कोई भी फ्रूट का क्रश लेना है और उसका ही इस्तेमाल करना है, कोई भी शरबत ऐड नहीं करना है। मैं 2 टेबलस्पून जितना डालूंगी और बाइंडिंग देख लेंगे। हमें लड्डू जैसा बनाना है तो वैसे ही हमें इसका बाइंडिंग होना चाहिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मैं 1 टेबलस्पून जितना और ऐड करूंगी। देखिए इसमें स्ट्रॉबेरी भी आती है इसमें, तो उसे भी हम थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मैं यहाँ पे 1 बूंद जितना रेड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लुक में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, जैसे जिससे हम इसे लड्डू बांध सके वैसी हमें चाहिए। दूसरे ड्राई फ्रूट के मिक्स में मैं यहाँ पे कीवी पाइनएप्पल का क्रश है उसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसका भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून जितना डाल दूंगी। ये भी क्रश ही डालना है हमें। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से कीवी पाइनएप्पल का भी मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं यहाँ पे 2 बूंद जितना ग्रीन फूड कलर भी ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिला लेंगे इसे भी। अब हमें नींबू के साइज के गोले बना के रेडी कर लेने हैं। देखिए इस तरह से एक बाइट साइज का हमें बनाना है ताकि तो ही खाने में कन्वीनियंट रहेगा। मैं इस तरह से सारे गोले बना के तैयार करूंगी। सारे बॉल्स बन के तैयार हैं। देखिए दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बाहर ऐसी ही मिठाइयाँ मिलती हैं। यहाँ पे इन्हें कोट करने के लिए मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है 3 टेबलस्पून जितना। इससे हमें इसे कोट कर देना है। बहुत ही अच्छा लुक आएगा और फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया आ जाएगी। आप चाहें तो चॉकलेट वर्मिसिली से भी कर सकते हैं, व्हाइट चॉकलेट को ग्रेट करके भी कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट स्ट्रॉबेरी के साथ भी बहुत बढ़िया लगता है तो उसके साथ भी कर सकते हैं। देखिए अच्छे से कोट हो गया है। फिर से थोड़ा सा फिनिशिंग दे देंगे इस तरह से। ये देखिए सारे बॉल्स को मैं इसी तरह से कोट करके रेडी कर लूंगी। देखिए थोड़ा सा इस तरह से कटोरी में ही घुमाएंगे तो ये अच्छे से कोट हो जाता है और हाथ में फिर निकाल के इसे थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे देना है बस। तो देखा ना आपने कितना आसान है एक शुद्ध और टेस्टी ऐसी मिठाई घर पे बनाना, जो बाहर हजारों रुपया किलो में मिलती है वो आप घर पे बना सकते हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है हमें।
इसी तरह से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला भी हम कोट करके रख देंगे। ये देखिए, देखिए ड्राई फ्रूट के फ्रूट पंच यानी कि फ्रूट बॉल्स बनके हमारे तैयार हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। किसी को भी अगर खिलाया, मेहमानों को खिलाया, त्योहारों में रक्षाबंधन में भाई को खिलाया तो खुशी हो जाएंगे। छोटे हो या बड़े सबको पसंद आने वाला हमारा ड्राई फ्रूट फ्रूट पंच बनके तैयार है। आप भी इन त्योहारों में जरूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ जरूर से शेयर कीजिए और इन त्योहारों में घर की बनाई हुई शुद्ध मिठाइयाँ ही सर्व कीजिए और कमेंट्स जरूर से दीजिएगा। थैंक यू।